नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। और देखिए, ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की सियासत इन दिनों कहराते ठंड में भी गरमाई हुई है। जी हाँ, क्यों? क्योंकि ओबीसी को लेकर के, आरक्षण को लेकर के जो हाईकोर्ट का फैसला आया है उसको लेकर के ओबीसी समाज काफी ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहा है, जिसको लेकर के विपक्षी नेताओं को जो है सरकार को घेरने का, सरकार को आड़े हाथ लेने का मौका मिल गया है और वो मौका हाथ से जाने देने के फिराक में नजर नहीं आ रहे। बता दें कि अखिलेश यादव जो है वो लगातार योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने हाईकोर्ट के सामने बेहद ही कच्ची दलील पेश की है, जिस कारण से जो है यहाँ पर अभी हाईकोर्ट का इस तरीके का फैसला आया। वहीं योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर जो है अपना बचाव करते हुए नजर आ रही है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई करवाने का जो है हवाला दिया है और लगातार विपक्ष के हमलों पर जो है यहाँ पर पर्दा डालने का काम योगी आदित्यनाथ सरकार करते हुए नजर आ रही है। वहीं अखिलेश यादव को यहाँ पर ओपी राजभर ने घेरा है कि अगर आपको पिछड़ों की इतनी चिंता थी तो आपने अपना वकील क्यों नहीं खड़ा कर दिया, ये बात बोलते हुए ओपी राजभर नजर आए हैं। वहीं ओपी राजभर के इस बयान पर जो है सपा खेमा बेहद ज्यादा जो है हमलावर हो गया ओपी राजभर पर। ओपी राजभर पर जो है डिंपल यादव ने बयान दिया है। जी हां, डिंपल यादव ने यहां पर ओपी राजभर पर जमकर हमला किया है और कहा है कि चलिए हमने तो कम से कम मुद्दा भी उठाया, लेकिन आप तो उसी सरकार के जो पिछड़ों की दुश्मन सरकार है उसके साथ जो है उसकी वाहवाही और बढ़ाई करने का प्रयास कर रहे हैं। डिंपल यादव का ये कड़ा हमला इस वक्त ओपी राजभर को लेकर के जो हुआ है उसको लेकर के उत्तर प्रदेश में सियासत बेहद ज्यादा गरमाई हुई है। बहरहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।